गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज हिंदी क्लास में हम एक कविता पाठ करेंगे। उस कविता का शीर्षक है मेहनत। मेहनत मतलब परिश्रम करना। हमें परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये जो हम सब तुम सब पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, मतलब मेहनत करना चाहिए। ये जो कविता है ये मेहनत के बारे में है। देखो तुम सब ने अपने अपने किताब खोलो और मेरे साथ देखो और पढ़ो। कविता शीर्षक क्या है? मेहनत। जो करते हैं मेहनत भाई, उन्हीं की किस्मत है खून पाई। बिना मेहनत के तो किसी ने सफलता की है ये ना भाई। उस नन्ही सी बैया को देखो, बना रही जो घर है अपना। बिना मेहनत के तो भाई अपना घर होता एक सपना। तुम नन्ही चींटी से सीखो, जो मेहनत से कभी ना हारती। अपने से 10 गुने बोझ को मुख थामे दीवार लगती। आलस की चादर को फेंको, जीवन का बस यही धर्म है। मेहनत करो, रुको कभी ना, जीवन का बस यही कर्म है। तो क्या बोला है? ना जो करते हैं मेहनत भाई, मतलब जो मेहनत करता है उसकी किस्मत खुल जाती है। बिना मेहनत से क्या होता है? सफलता नहीं मिलती। उस नन्ही से बैया, बैया मतलब क्या बोले तो टेलर बाग, ठीक है। जो देखो अपना घर बना रही है, ये वो उसका घर है। ये मेहनत करके उसे अपना घर बना रही है। और चींटी देखो, चींटी अपने मुंह से सारी चीज उठा कर ले जाते हैं। ये उसका काम करने का परिश्रम करता है, ठीक है। तो यही बोला है, नन्ही से चींटी को देखो। देखो ये चींटी है और ये बैया है जो अपने घर बना रही है। और चींटी अपने मुंह से बहुत सारी चीजें लेकर वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है। आलस को चादर को फेंको, जीवन का बस यही धर्म है। मेहनत करो, रुको कभी ना, जीवन का बस यही धर्म है। तब क्या बोल रहे हैं? आलस मत करो, आलस नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। बिना मेहनत से किसी भी प्राणी का क्या जीवन, जीवन में सफलता नहीं होता है। और जो काम कर रहा है वो उसका जीवन में सफलता आती है। इसलिए मेहनत का फल सर्वदा क्या होता है? मीठा ही होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो चलो ये था आज का कविता। ये कविता तुम सबने ठीक से पढ़ोगे और याद करोगे, और ये नीचे जो अशब्द अर्थ है वो भी प्रैक्टिस करोगे, और किताब में जो क्वेश्चन आंसर है वो सब अपने आप